थैंक यू आशुतोष जी और डीओ जी के तरफ से मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी वक्ता जिन्होंने इस पे साइबर क्राइम के बारे में बताया, काफ़ी अच्छी और विस्तार पूर्वक जो है बातें बताई। और I4C जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, मैं जितेंद्र जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बड़े अच्छे प्रकार से इसके बारे में विषय में विस्तार पूर्वक बताया। जैसा कि NFSU गुजरात और NFSU नियरबाई गुजरात, यूनिवर्सिटी। हाँ, हाँ, और एक और वक्ता थे नवदीप नियरबाई साथी, उन्होंने यूनिवर्सिटी से। बताया था कि बेसिकली जब साइबर क्राइम हो जाता है तो सबसे पहली समस्या ये आती है कि मैं इसे किसको बताऊं, पर्टिकुलरली इसको मैं किससे शेयर करूं। थाने में अगर मैं जाता हूं या जाती हूं तो वहाँ क्या वो थाने वाले या वो ऑफिसर ट्रेंड है उस कंप्लेंट को लिखने के लिए, समझने के लिए। यदि मैं एक महिला हूं तो क्या जो महिला सामने थाने में हमारे पास में अवेलेबल है वो सक्षम है मेरी कंप्लेंट को अच्छी तरह से जांच परख के लिखने और उस पर एक्शन के लिए। तो भारत सरकार ने MHA ने इस पे काफ़ी विचार किया और एक CIS डिवीजन जो MHA की है उन्होंने इस पे बड़े गहन तरीके से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के डायरेक्ट सुपरविजन में ये I4C जो है इसका जन्म हुआ, ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। जैसा जितेंद्र जी ने आपको बताया कि इसके चार वर्टिकल हैं, सेवन वर्टिकल्स हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है रिपोर्टिंग। ये इस क्राइम की रिपोर्टिंग कहाँ करी जाए, किसको करी जाए, और रिपोर्टिंग के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन हो तो क्या हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनमें क्षमता है इस क्राइम को डिटेक्ट करने की और काबू करने की। तो आज मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि MHA के इस I4C के इनिशिएटिव से देश में ऐसी क्षमता डेवलप की गई है कि हम वर्ल्ड लेवल पे आप कह सकते हैं आगे हैं, या हम वर्ल्ड में इन्वेस्टिगेशन में किसी भी एजेंसी का मुकाबला कर सकते हैं। तो पहली बात आती है रिपोर्टिंग की। जैसा बताया आपको कि cybercrime.gov में अपनी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ जो PPT थी, यदि आपके यहाँ से शेयर हो सके तो एक बार देखिएगा इसको। तो रिपोर्टिंग पोर्टल जो है MHA का cybercrime.gov.in एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टल है जिसमें कंप्लेनेंट किसी भी स्टेट में किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र का रहने वाला है, यदि उसको इंटरनेट के थ्रू इसकी एक्सेस है तो अपनी कंप्लेंट जो लॉन्च करेंगे वो कंसर्न पुलिस स्टेशन्स में चली जाए और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन केस रजिस्ट्रेशन का एक्शन लिया जाए। इसमें दो पार्ट हैं, एक जैसा आपने बताया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी और गैंगरेप, इनकी भी रिपोर्टिंग एनोनिमस तरीके से इसमें पॉसिबल है और उस पोर्टल को एक नोडल ऑफिसर जो नियुक्त किया गया है उसके अलावा कोई और खोल के नहीं दे सकता। और इसमें सीक्रेसी जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो इसका भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। पहले फर्स्ट स्टैंड में जो है CPCRG ही NCRP पे रिपोर्टिंग स्टार्ट की गई थी, इसके सक्सेसफुल होने के बाद में अदर क्राइम्स जैसे कि अभी सभी वक्ताओं ने कहा फाइनेंशियल फ्रॉड है, स्टॉकिंग है, बुलिंग है, इन सभी को रिपोर्ट करने का इसमें प्रावधान है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे PPT में भी एक रिक्वेस्ट है कि 1930 जो नया नंबर है, पहले 1-55-260 होता था, तो गृह मंत्री जी ने बताया था कि इसको आप शॉर्ट कोड करें जिससे लोग इसको याद रख सकें, तो 1930 स्टार्ट किया गया। तो 1930 नंबर एक अभी आप अपने फ़ोन में इसको सेव कर लें कि ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर है। इसी के नीचे आपके फ़ोन में स्पेस होगा तो cybercrime.gov.in इस लिंक को भी आप सेव कर लीजिए। आपके साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके ऑफिस में किसी के साथ भी अगर साइबर क्राइम इंसिडेंट होता है तो ये नंबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा रिपोर्टिंग के लिए। ये सेव मैं इसलिए कराना चाहता हूँ आपको कि इमीडिएट रिपोर्टिंग कर सकें। जैसा अभी जितेंद्र जी ने बताया एक साइबर
फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम 1930 के साथ में ही जुड़ा हुआ है। यदि आपके या किसी आपके जानने वाले के पैसे फाइनेंशियल फ्रॉड चीटिंग में, चाहे वो केवाईसी प्लेटफॉर्म हो, एमटीएनएल का बिल भरना हो, बीएससीएस का बिल भरने पे फ्रॉड हो गया हो, जॉब के सिलसिले में फ्रॉड गया हो, इमिजिएटली जैसे आपको पता लगता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, आप जो बेयर मिनिमम डिटेल है, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका फोन नंबर और जो ट्रांजैक्शन जिससे आपका पैसा निकल गया, ये तीन चीज़ें बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड हैं। 1930 में जो कॉल अटेंड करेंगे आपके, आप उनको बताएंगे तो शेयरिंग का भी इसमें प्रोविजन है, प्लस एक लिंक और एसएमएस भी आपके पास आएगा जिसमें बाद में आप डिटेल जो है उसमें भर सकते हैं और एफआईआर दर्ज होगी। 1930 पे फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग जब आप करेंगे, आ ये सभी चीज़ हो गई, एक बार इस पे आ जाइए 1930, या मेरी रिक्वेस्ट जो है एक बार वहां से क्लिक करें। आप इसको मूव कर सकते हैं वहां से डीओजे से, तो एक बार फिरिएगा जरा। सर थोड़ा सा स्लो है, हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे। जी आप रिक्वेस्ट वाली स्लाइड पे आ जाइए, फिफ्थ या सिक्स्थ स्लाइड होगी इसमें, तो इतने में बीच में बात भी करता जाता हूँ। 1930 एक इम्पोर्टेंट टूल जिसमें आपको अभी जितेंद्र जी ने बताया कि हम कम से कम 150 करोड़ रुपया डिजिटल चैनल में थ्रू 1930 साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इंटरसेप्ट कर पाए हैं। तो वो पैसा फ्रॉडस्टर्स के पास नहीं पहुंचा, बैंकिंग चैनल्स और वैलेट्स के चैनल्स में ही उसको हम लोगों ने रोक लिया, और ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें होम मिनिस्टर साहब अभी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में आए थे, तो उन्होंने एक डायरेक्शन और दिया था कि 1930 में जब फाइनेंशियल फ्रॉड आपको रिपोर्ट हो, तो वो बैंक को जो एस्केलेशन है, विद इन 5 मिनट्स वो एस्केलेशन हो जानी चाहिए, जिससे कि फर्स्ट जो गोल्डन आवर है जिसमें कि पैसा विक्टिम का रोका जा सकता है इस चैनल में, उस प्रक्रिया को तुरंत ही चालू किया जाए। तो इस दिशा में भी अभी I4C और I4C के साथ दिल्ली पुलिस काम करेगी। इसका ऑटोमेशन जो बैंकिंग सिस्टम्स और वॉलेट्स के साथ में डिजिटल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द बैंकिंग टू द पुलिस सिस्टम और फ्रॉम बैंक टू बैंक और बैंक टू वॉलेट्स, और जो लास्ट में जहाँ पैसा लैंड किया है उसकी डिटेल मिलने के बाद में जो एक्शन लेना है उसके लिए ऑटोमेशन का प्रोसेस प्रोबेबली हम लोग उसको 4 या 5 महीने में समाप्त कर लेंगे। तो आप देखेंगे 1930 पे डिजिटल चैनल में आपके शिकायत पे पैसा रोकने की गति ऑलमोस्ट 2 से 4 गुना बढ़ जाएगी। जो अभी 1.5 वर्ष में 150 करोड़ रुपया स्टॉप हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि हम उसको 300 साढ़े 300 करोड़ पे लेके पहुंच जाएंगे, और ये एक पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा साबित होगी। तो जितने भी हमारे वेबिनार में जुड़े हुए अफसर हैं, स्टाफ हैं या फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 1930 को अपने फ़ोन में सेव करें, cybercrime.gov.in पे आप उसको भी अपने फ़ोन में सेव करें, जिससे कि हैंडी ये दोनों चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हो। बस आशुतोष जी, मैं एक यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसके अलावा जैसा NFSU से बताया गया था कि हमें ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करनी चाहिए और अवेयरनेस जो है काफ़ी बढ़ानी चाहिए, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए जो कंप्यूटर टीचर्स हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में या और भी किसी एजेंसी में, उनको हम ट्रेन करें एज ए ट्रेनर, जिससे कि वो उस चीज़ को और आगे बढ़ा सकें। होम मिनिस्ट्री ने एक और प्रोग्राम अवेयरनेस जनरेशन का स्टार्ट किया है, इसको करीब 1 वर्ष हो गया, इसका नाम है जागरूकता दिवस। तो मेरी सभी वेबिनार में जो अभी हाजिर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जागरूकता दिवस हर महीने का पहले बुधवार को सभी स्टेट्स में पुलिस एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इसको सेलिब्रेट करती हैं। इसमें आपको अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं, प्रिवेंशन के प्रोग्राम्स हैं, सेफ्टी टिप्स हैं,
जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे या यूज़र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो ज्वाइन करें। एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि I4C ने एक ट्विटर हैंडल है साइबर दोस्त, आप इसको भी, साइबर दोस्त को भी फॉलो करें, और साइबर दोस्त को ये वाली ये जो रिक्वेस्ट है, साइबर दोस्त को आप फॉलो करेंगे तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट मॉडल्स ऑपरेंडी और किस तरह से आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, ये सारी टिप्स इसमें I4C जितेंद्र जी के यहाँ से पोस्ट होती हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेल डिज़ाइंड पोस्ट होती हैं जिसे जल्दी से जल्दी समझा जा सकता है और उसको अपने जीवन में उतारा जा सकता है। तो आशुतोष जी, मैं इन चार रिक्वेस्ट के साथ यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी सभी वक्ता जो वक्ता थे उन्होंने चीज़ें शेयर कर ली, बट प्रैक्टिकली ये चार रिक्वेस्ट मेरी अगर आप माने, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, तो हम काफ़ी कामयाब होंगे साइबर क्राइम को रोकने के लिए। थैंक यू वेरी मच।